लूट का नाटक कर पत्नी की हत्या करने वाला पति गिरफ्तार। मुरादाबाद के थाना मझोला क्षेत्र में रहने वाले पीतल फर्म कर्मी जितेंद्र ने रात के 2 बजे पुलिस को कॉल कर सूचना दी कि उसके घर में घुसे 5 बदमाशों ने उसके हाथ पैर बांधकर उसके घर में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। और जब उसकी पत्नी मंजू ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने उसकी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। सूचना पर पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन कर इस मामले में आज मृतक महिला मंजू के पति जितेंद्र व उसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर इस हत्याकांड का और लूट का 24 घंटे में ही खुलासा कर दिया। मझोला थाना क्षेत्र में रहने वाले जितेंद्र का 2 वर्ष पूर्व ही मंजू से विवाह हुआ था। विवाह के बाद से ही जितेंद्र पर अपनी पत्नी से कम दहेज लाने को लेकर विवाद होता रहता था। 1 दिसंबर की रात में जितेंद्र ने अपने अन्य 3 साथियों के साथ मिलकर रात के 2 बजे अपनी पत्नी मंजू की गला दबाकर हत्या कर दी। उसके बाद उसने पुलिस को कॉल कर सूचना दी कि उसके घर में रात में 5 बदमाश घुस आए और उन्होंने उसके हाथ पैर बांध कर लूट करनी शुरू कर दी। उसके बाद जब उसकी पत्नी मंजू ने बदमाशों की लूट का विरोध किया तो बदमाशों ने उसकी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और फरार हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस को पूछताछ में ही जितेंद्र पर शक होने लगा था। पुलिस ने मंजू का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और छानबीन शुरू कर दी। पुलिस को पड़ोसियों से जानकारी मिली कि जितेंद्र के घर रात में कई लोग आए थे। इसके साथ ही मंजू के मायके वालों ने भी जितेंद्र पर भी हत्या करने का शक जताया था। पुलिस ने मंजू के अंतिम संस्कार के बाद जितेंद्र को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो पूरा मामला सामने आया। जितेंद्र ने ही अपनी पत्नी की अपने दोस्त शावेज और 2 अन्य दोस्तों के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। क्या नाम है आपका? मोबाइल जी। क्या नाम है आपका? ये कौन है जो महिला है आपकी? ये मेरी घरवाली है। आपकी घरवाली? क्या बात हो गई थी? सर मैं यहाँ से बाहर को गया पेशाब करने के लिए, तो बाहर मेरा बाथरूम है, बाथरूम में जो है चोर थे घुसे हुए। जैसे मैं पेशाब करने के लिए नाली पे खड़ा हुआ, पीछे से आके मुझे दबा लिया चोरों ने। मेरे कनपट्टी पे हथियार रख दिया था, मुझे अंदर ले करके आए, अंदर ला करके मुझे यहाँ बांध दिया। मेरी बीवी के पास में गए वो चोर, इससे जो जेवर मांगा इसने मना करा। एक बार के मना करने में इसका जो टैट को दबा दिया उन्होंने। कितने लोग थे? 5 थे सर। 5-6? 5 थे 5। तो तुम बांध कर डाल दिया था यहाँ? जी हाँ। से बांधा था? इस कपड़े से। एक ही रात्रि को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना मझोला क्षेत्र में एक घर के अंदर कुछ बदमाश घुसे थे। वहाँ पे उन्होंने आभूषण वहाँ पे उन्होंने लूटे और साथ में वहाँ की बाइक भी लेके गए। ये जो बात है वो घटना पे मौजूद पति द्वारा बताया गया। पति ने यह भी बताया कि उस पूरे घटनाक्रम में क्योंकि पत्नी ने विरोध किया था, उसका गला दबा के बदमाशों ने उसकी हत्या कर दी। सुबह जब पत्नी के घरवाले भी मौजूद थे तो उन्होंने शक जताया कि इसमें इसके पति और पत्नी के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे, इनमें आपसी विवाद भी चल रहा था। इन तथ्यों का भी संज्ञान लेते हुए पुलिस ने विवेचना करी और साथ ही कुछ कॉल डिटेल्स के आधार पर भी कुछ संदिग्ध नंबर प्राप्त हुए। इसके आधार पर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, सावेज और अरविंद। इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा जब इनसे पूछताछ की गई तो ये पता चला कि जो पति था जितेंद्र, इसका अपने पत्नी से वाद विवाद चल रहा था, इसके अपने रिश्ते अच्छे नहीं थे। इसे शक था कि इसके शादी से पहले से ही इसका किसी के साथ अवैध संबंध है। साथ ही इसकी पत्नी भी इस पर आरोप लगाती थी कि इसके भी अवैध संबंध इसकी भाभी के साथ है। इसके चलते इनके बीच में लगातार झगड़े चलते रहते थे और ये काफ़ी परेशान था। इस बात का जिक्र इसने अपने जहाँ ये काम करता था सावेज नाम के व्यक्ति से किया। सावेज और इन दोनों ने प्लानिंग करी कि इसकी पत्नी की हत्या की जाएगी। सावेज ने फिर अन्य 2 व्यक्तियों को संपर्क किया और घटना वाले दिन ये दोनों सावेज और जितेंद्र लगातार फ़ोन के द्वारा संपर्क में रहे और जितेंद्र ने ही इन सावेज तथा इसके साथ जो अन्य 2 दोस्त थे उसको अपने घर में एंट्री कराई और गला दबाकर अपनी पत्नी की हत्या करी। और उसको इस तरह से दिखाया गया कि ये लूट करने आए थे बदमाश और साथ में इसकी पत्नी की हत्या कर दी। इसमें सावेज ने बताया कि ये कार्य करने के लिए जितेंद्र ने बोला था कि जो मेरे घर में गहने हैं वो इसे दे दूंगा। तो जो जिस घटना वाले दिन जो उसने बताया था कि जो आभूषण ले गए, साथ में एक बाइक भी इसने घटना करने के लिए दी थी, ये सारे इनकी बरामदगी इनके पास से हुई है। इसमें जो चांदी के आभूषण थे और एक स्प्लेंडर बाइक जो
बताई थी कि जो लूट के ले गए बदमाश वो सब बरामद की गई है इनके पास से, और इसमें एक अपराधी टिंकू पुत्र नरेश जो थाना कटघर का है वो इस समय फरार चल रहा है, जिसके गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इस समय 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जो पति है जितेंद्र उर्फ नन्ने जो 24 साल का है, जो थाना मझौला का रहने वाला है, दूसरा सावेज 24 वर्ष का, ये भी मझौला थाना क्षेत्र का रहने वाला है, तीसरा अरविंद जो सावेज के कहने पर आया था जो थाना कटघर का रहने वाला है। कुछ इससे पहले भी मौत की गई है, इनसे जो पूछताछ की गई अभी तक, इन्होंने अभी कोई भी पुराना आपराधिक इतिहास होने से मना किया है, इसमें भी बेचना प्रचलित है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। थैंक यू।